आज मैं मिक्स वेज बनाऊंगी। इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ले लिए, उन्हें क्लीन करके कट कर लिया है। इसमें मैंने गाजर ली है, कैप्सिकम लिया है, बीन्स ली है और फ्रोजन मटर भी ऐड किया है। मैंने एक आलू कट कर लिया है, अनियन को भी कट कर लिया है और पनीर को भी कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें और भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फूलगोभी। मैंने ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी लिया है। अब मैं अपनी सभी जो वेजिटेबल मैंने आपको दिखाई थी इसमें फ्राई करूंगी। मैंने बीन, गाजर, आलू जो थोड़ा सा गलने में टाइम लगाते हैं उसे मैं पहले फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें अपनी बची हुई जो सब्जियां हैं जैसे कि कैप्सिकम, प्याज और पनीर, इसे भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। मेरी सभी सब्जियां सेलो फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ग्रेवी के लिए मसाला बनाऊंगी। मैंने 2 प्याज को बारीक कट कर लिया है, ऐसे ही मैंने 2 टमाटर भी कट कर लिए हैं, साथ में 1 हरी मिर्च को भी डाला है। अब मैं ऑयल में 1/2 चम्मच जीरा ऐड करूंगी। मैंने लो फ्लेम रखी है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर लिया है, साथ में 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और मैं इसमें 1 चम्मच अपना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूंगी और 2 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी जिससे लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब मैंने इसमें अपना कट अनियन भी डाल दिया है और मैं इसे थोड़ी देर तक और भूनूंगी। मेरा अनियन भुन चुका है। अब मैंने एक पेस्ट बनाया है जिसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर को पानी में घोल लिया है। अब मैं इस पेस्ट को इसमें ऐड कर दूंगी और इसे आपस में मिलाऊंगी। एक हरी मिर्च भी मैंने चॉप करके ऐड कर दी थी। अब मैं इसमें अपना जो कट किया था टमाटर वो भी ऐड करूंगी और मैं इसे मसाला भुनने तक पकाऊंगी। मैंने अपनी सभी जो वेजिटेबल्स थी इन्हें सेलो फ्राई करके एक पॉट में निकाल लिया है। मेरा मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें अपनी सभी जो मैंने सेलो फ्राई वेजिटेबल की थी उन्हें ऐड करूंगी। और इसे आपस में मिलाऊंगी। अब मैंने ऊपर से इसमें 1/2 चम्मच करी पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी भी ऐड कर ली है। अब मैं इसे लो फ्लेम में 4 मिनट तक
और पकाऊंगी। देखिए मेरी शानदार सी रेसिपी बनके रेडी है। ऊपर से मैंने इसमें घर की एक चम्मच मलाई भी फेंट के ऐड कर ली है। मेरी शानदार सी मिक्स वेज की सब्जी बनके रेडी है। एक बार आप भी इसे अपने घर में मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। Hope so you enjoyed watching this video, and if you do, please do like, share and subscribe to our channel. And with this note, until we meet again, bye bye, take care.